मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।